नमस्कार, मैं हूं अध्ययन सुमन। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूं, बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूं आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था, और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ, और आज आप लोगों ने मुझे आश्रम को लेकर, टिंका सिंह को लेकर, मेरे गाने को लेकर, सुशांत के ट्रिब्यूट को लेकर इतना सारा प्यार दिया है, इतनी पॉजिटिविटी दी है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने लाइफ में मेहनत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। 11-12 साल का स्ट्रगल रहा है, और फाइनली ऑडियंस मेरे काम को इतना सराहा रही है, प्यार दे रही है, ओनली बिकॉज यू गाइज हैव बीन सो काइंड टू मी कि आप लोग ने मुझे और एक अपॉर्चुनिटी दी है। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट ड्रैग माई नेम। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और कोई रिश्ता नहीं होगा आगे भी, लेकिन हम दोनों की लड़ाई एक ही है, विच इज़ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो प्लीज़ इधर उधर ना भटके, लेट्स फाइट फॉर सुशांत। थैंक यू। हमारे जो विधायक हैं सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक, इन्होंने विधानसभा में मुझे जो निवेदन आज किया, उसके उत्तर में मैंने वहाँ पे बोला कि कंगना रनौत जो है उसके तालुकात या संबंध जो भी है शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी, और अध्ययन सुमन ने डीएनए को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है। और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। किसकी तरफ से होगी ये जानकारी का? सर ऑर्डर दिया गया क्या? Thank you.